हेलो फ्रेंड्स, मानी मेरे मंजन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने 8,235% का जो है रिटर्न दिया है इन लास्ट 10 ईयर्स। और अब अगर आप देखेंगे फ्राइडे को आशीष कचोलिया जी ने 2 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स इस कंपनी के उठाए हैं, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आप 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो आपका पैसा इस कंपनी ने 3 टाइम्स किया है, 208% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन अगर 1 साल की बात करेंगे तो ये स्टॉक थोड़ा नरम गरम चला है और 24% डाउन है, तो ये एक मौका हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए लेने का। और ये कंपनी है सफारी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये लगेज बैग बनाती है प्रीमियम क्वालिटी के, और काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छा है, आपने देखे ही होंगे। और इसका अगर आप देखेंगे स्टॉक 561 के ऊपर आज क्लोजिंग हुआ और 3% अप क्लोज हुआ, तो लॉन्गर टर्म का नज़रिया इस स्टॉक के अंदर देखना चाहिए। और इसका फेस वैल्यू 2 रुपये का है, तो इसके अगर आप देखेंगे इसके कंपैरिजन में वीआईपी इंडस्ट्रीज चलती है। और ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक है, 1,253 करोड़ का इसका जो है टोटल मार्केट कैप है। और सेंसेक्स अगर आप देखेंगे 1 साल के अंदर 16% बढ़ा, BSE 500 10%, लेकिन ये स्टॉक 24% डाउन है, तो इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है लेने का। तो मैं आपको BSE की के ऊपर लेके जाता हूँ कि कितने स्टॉक्स किस रेट पर उन्होंने ख़रीदे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये 22/11/2019 का बल्क डिस डेटा है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे आशीष कचोलिया उन्होंने 2,18,000 शेयर्स 550 के ऊपर ख़रीदे। सेफ इंडिया FII होल्डिंग लिमिटेड ने 5,78,000 शेयर्स 540 पे ख़रीदे। और टेनो इंडिया एक कंपनी है, इक्विटी फंड उन्होंने सेल किए थे, तो ये एक बल्क डील्स है जो एक कंपनी ने सेल किए और दूसरे इन्वेस्टर्स और दूसरी कंपनी ने बाई किए, तो आपको इसके अंदर भी देखना चाहिए। और इस सेक्टर के अंदर ये बड़ी कंपनी है, धाकड़ कंपनी है VIP, और ये दोनों कंपनी का ब्रांड काफ़ी अच्छा चलता है, तो लॉन्गर टर्म का नज़रिया रखना चाहिए अगर आपने ले रखा है या लेना भी चाहते हैं। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।